हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो प्रैक्टिस में 18 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आज के 18 के 18 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा और छोटा वीडियो रहेगा। एंड दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल है। थ्योरी सेशन मैंने चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ाया हुआ है एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी कराया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हल कराया हुआ है। एंड 79 वीडियोज मैंने बीपीएससी टीआई 2 में इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रैक्टिस चैप्टर वाइज कराया हुआ है, उसको जरूर देखिए। एंड दोस्तों, 2024 के ऑल फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रैक्टिस वीडियो में यह 65वां वीडियो है। तो जितने भी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं सभी के लिए सभी वीडियोज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलती हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा, LNIPE ग्वालियर यानी कि लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये कहाँ पे है? ग्वालियर में है, ये आपका राइट है। एंड दोस्तों, आपका LNCPE यानी लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो 1985 में त्रिवेंद्रम में खोला गया, इसी का एक संस्था LNIPE का। फिर LNIPE लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की एक शाखा गुवाहाटी में 2010 में खोला गया, यानी कि ये तीनों सही है। आपका यहाँ पे असंगत क्या है कि LNCPE का कोई भी शाखा मद्रास में नहीं है, ठीक है। और लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1957 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? तो दोस्तों, यहाँ पे सेंटर फॉरवर्ड हॉकी से रिलेटेड है, ये आपका राइट है। एंड दोस्तों, आपका रेडर जो है कबड्डी से है, जो रेड करने जाता है, तो ये भी राइट है। एंड दोस्तों, चेजर जो है खो खो से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये भी राइट है। यहाँ पे आपका गलत क्या है? राइट आउट, क्योंकि राइट आउट जो है वह हॉकी और फुटबॉल से संबंधित है, हैंडबॉल से नहीं, इसलिए यहाँ पे कौन सा जोड़ा असंगत है? ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे सीन गार्ड, स्टोर्ड एंड सपोर्टर, ये तीनों के तीनों फुटबॉल के सुरक्षात्मक उपकरण हैं, जबकि पैड जो है वह क्रिकेट का सुरक्षात्मक उपकरण है, इसलिए पैड आपका विषम है। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे है NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, जिसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 को हुआ था। ये क्वेश्चन NCTE का फुल फॉर्म पूछ लिया था बीपीएससी टीआई 2 में, तो याद रखिएगा। और कब स्थापना हुआ था? 17 अगस्त 1995 में। और NCTE का कार्य क्या है? ये भारत के शिक्षा प्रणालियों के मानक व उनके कार्यों को नियंत्रित करता है। दूसरा है NCERT। दोस्तों, NCERT की स्थापना जो है 27 जुलाई 1961 को हुआ था। इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च, एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एंड दोस्तों, NCTE का कार्य क्या होता है? NCERT का, ये केंद्र और राज्यों के स्कूलों को शिक्षा के लिए परामर्श देता है। एंड यहाँ पे है AICS, AICS यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, अखिल भारतीय खेल परिषद, जिसकी स्थापना 1954 को हुआ था।
यह अर्जुन व द्रोणाचार्य के लिस्ट को सरकार को भेजता है। तो तीनों को तीनों कोई ना कोई संस्था है, जबकि AIFE कोई संस्था नहीं है, इसलिए यह विषम है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से रेसिप्रोकल इनर्वेशन का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों, रेसिप्रोकल इनर्वेशन का अर्थ होता है कि जब एंटागोनिस्ट मांसपेशी शिथिल अवस्था में है और एगोनिस्ट मांसपेशी क्या है, स्थिर हो, तो उस अवस्था को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इनर्वेशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे श्वसन तंत्र को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो दोस्तों, जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं हमारे श्वसन तंत्र को, ब्लड सर्कुलेशन एंड पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, हृदय धड़कन, श्वसन क्रिया, ये सभी चीजों को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, हमारे श्वसन तंत्र को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जो है उन जैविक कार्यों, जो वाइटल फंक्शंस को नियंत्रित करता है जिन पर हमारी इच्छाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे कि पाचन तंत्र में आंत के क्रमानुकंचन गति, रक्त परिसंचरण, हृदय धड़कन, श्वसन क्रिया आदि सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय महिला जिम्नास्ट जिसने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, तो दोस्तों वह कौन है? वो है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर जो 14 फरवरी 2018 को जिम्नास्टिक विश्व कप में स्वर्ण पदक जीती थी, और यह दीपा कर्माकर जो है ओलंपिक में 2016 रियो ओलंपिक में जिम्नास्टिक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला भी बनी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? तो दोस्तों, घुटना कौन सा प्रकार का जोड़ है? हिंज ज्वाइंट है। और हिंज ज्वाइंट में होता क्या है कि एक अक्ष में गति होती है, जैसे दरवाजे एक तरफ घूमता है, एक ही दिशा में गति होती है। तो हिंज ज्वाइंट के अंतर्गत हमारा नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़ और जबड़ों का जोड़ आता है। तो यहाँ पे घुटना जो है एक अक्षीय जोड़ यहाँ पे राइट है। दूसरा है आपका कंधा, यानी जो हमारा शोल्डर है ये मल्टी एक्सियल ज्वाइंट है, इसलिए यह क्या है? गलत है। ठीक है, एंड ग है कलाई, रिस्ट जो है ये द्वि अक्षीय, दो तलों में गति होती है, तो अक्षीय ज्वाइंट तो है ही, इसलिए यहाँ पे ये भी राइट है। गर्दन जो है आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे करके, यानी दो अक्षीय गति होता है, ये भी आपका राइट है। तो यहाँ पे असंगत क्या है? कंधा। कंधा द्वि अक्षीय नहीं है, ये मल्टी एक्सियल ज्वाइंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो कॉर्निया है सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी तंत्र का भाग है, ज्ञानेंद्रियों का भाग है, आँख का भाग है कॉर्निया, जिसमें आँख नेत्रदान करते समय कॉर्निया का दान किया जाता है। तो ये आपका क राइट है। एंड एक्टिन क्या है? मांसपेशी तंत्र का ही भाग है। मांसपेशी दो तंतु फाइबर दो प्रकार के होते हैं, एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट के मायोसिन फिलामेंट पर खिसकने पर मांसपेशी जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये भी आपका राइट है। एंड ग है लाइपेज, जो पाचन तंत्र का भाग है, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये आपका अग्नाशय यानी पैंक्रियाज से स्थापित एंजाइम है, पाचक एंजाइम है। तो लाइपेज जो है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज से स्थापित होने वाला एंजाइम है, जो लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है, वसा को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदलता है। तो यहाँ पे पाचन तंत्र का भाग है, तो ये भी राइट है। घ है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किसका इकाई है दोस्तों? नेफ्रॉन जो है किडनी की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है।
यहाँ पे तंत्रिका तंत्र से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। नेफ्रॉन का, ये आपका नेफ्रॉन का संबंध जो है वह एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र से है, बाकी सभी का जोड़ा सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? तो दोस्तों, ग्रोथ विटामिन बोला जाता है, ग्रोथ हार्मोन विटामिन ए को, ठीक है, इसलिए यह क्या है, राइट है, ACTH यानी कि एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, यह कहाँ से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से, तो ये भी आपका राइट है, ठीक है। ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो एडिनल ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करता है, पीयूष ग्रंथि क्या है, सभी अंतरस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि या प्रमुख ग्रंथि कहा जाता है। ग है आपका पैराथायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, बट पैराथायरोक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, यह पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, इसलिए यह गलत है। घ है ल्यूटिनिन हार्मोन गोनेड, यह जनन ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है जो महिलाओं के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन व पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन व स्राव को नियंत्रित करता है, तो यहाँ पे घ भी राइट है आपका। असंगत क्या है, पैराथायरोक्सिन जो पैराथायरॉइड ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है, ये आपका जोड़ा असंगत है और सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आंकड़े शोध के लिए वास्तविक रूप से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो आंकड़े शोध के लिए वास्तविक रूप से प्राप्त किए जाते हैं उसे रॉ डाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम क्या है? तो दोस्तों, दूती चंद जो है 100 मीटर धावक के लिए प्रसिद्ध है, पीटी उषा 400 मीटर बाधा दौड़, एंड अंजू बॉबी जॉर्ज लॉन्ग जंप, यानी तीनों के तीनों जो है ट्रैक एंड फील्ड के खिलाड़ी हैं, बट आपका बुला चौधरी जो है वह तैराकी के खिलाड़ी हैं, इसलिए यह विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको देखना है मांसपेशी से रिलेटेड है पूरा, तो आपको मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जो हमारी मसल्स होती है संपूर्ण मांसपेशी को ढका रहता है, जो मांसपेशी होती है यह बंडल जैसा दिखता है जिसे चारों तरफ से संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू जो है वो घेरे रहती है, और जिसको संपूर्ण मांसपेशी को घेरे रहती है उसको एपिमाइसियम कहते हैं। तो संपूर्ण मांसपेशी को हम फेसिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फेसिया। तो यहाँ पे संपूर्ण मांसपेशी को एपिमाइसियम घेरे रहती है, और मांसपेशीय तंतुओं के समूह को जिसे हम फासिकुलस भी कहते हैं, ठीक है, फेजिकल या फासिकुलस भी कहते हैं, उसको पेरिमाइसियम घेरे रहता है, और मांसपेशी फाइबर यानी एक मांसपेशी तंतु को एंडोमाइसियम घेरे रहती है। तो याद रखिएगा, संपूर्ण मांसपेशी को जिसे फेसिया कहते हैं एपिमाइसियम घेरे रहता है, और मांसपेशी तंतु के जो बंडल होते हैं, कई मांसपेशी तंतु के बंडल यानी समूह को जिसे फासिकुलस कहते हैं उसको घेरे रहती है पेरिमाइसियम, और एक मांसपेशी तंतु मांसपेशी फाइबर को एंडोमाइसियम घेरे रहती है। तो यहाँ पे आपका एपिमाइसियम फेसिया यानी कि संपूर्ण मांसपेशी को घेरे रहती है राइट है, एंड एंडोमाइसियम एक मांसपेशी तंतु को घेरे रहती है ये भी राइट है, एंड पेरिमाइसियम जो है फेजिकल यानी कि फासिकुलस जिसे कहते हैं मांसपेशी तंतु के फाइबर के बंडल को घेरे रहती है, तो ये भी राइट है, ठीक है। घ ग ऑप्शन जो है एपिमाइसियम जो संपूर्ण मांसपेशी को घेरे रहती है, मायोफाइब्रिल को नहीं, मायोफाइब्रिल को तो एंडोमाइसियम घेरे रहती है, इसलिए यह गलत है, यानी कि ग वाला ऑप्शन जोड़ा असंगत है और सभी
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम क्या है? दोस्तों हमारी मांसपेशी फाइबर दो प्रकार के फिलामेंट होते हैं, एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार का होता है दोस्तों, ये आपका हो गया मायोसिन, क्या हो गया मायोसिन, ठीक है, और ये आपका हो गया एक्टिन, ठीक, एक्टिन एंड मायोसिन, इसी तरह होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है जो एक्टिन होता है इसके ऊपर दो लाइन कट करती है जिसको जेड लाइन कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, इसको जेड लाइन कहा जाता है, ठीक। और यहाँ पे आपका एक्टिन में जो होता है एक्टिन में दो प्रोटीन होता है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। यहाँ पे कई सारे बैंड होते हैं, जैसे कि आई बैंड हो गया, यहाँ पे आई बैंड में ओनली एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे ए बैंड, ए बैंड में ओनली ए बैंड में एक्टिन और मायोसिन दोनों फिलामेंट होता है, और यहाँ पे होता है एच जोन, और इसको बीच में एक लाइन होती है जिसे एम लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, ए बैंड, और जब मांसपेशी दोस्तों एक्टिन फिलामेंट जो है मायोसिन पर जब फिसलती है, एक जो मायोसिन होता है उसमें हेड होता है, हैंड होता है, उसी हैंड में जो एक्टिन होता है उसको मायोसिन का जो हेड होता है अभी तरफ खींचता जाता है, तो एक्टिन के मायोसिन पर फिसलने पर मांसपेशी जो है वो कंट्रैक्ट होती है। तो जब एक्टिन और मायोसिन, जब एक्टिन मायोसिन पर फिसलता है तो दोनों जेड लोन जेड लाइन जो है दोनों पास आ जाते हैं, और जो एच जोन होता है वह गायब हो जाता है। एच जोन क्या होता है, गायब हो जाता है। आराम से आपको समझा रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो है ए बैंड, एच जेड जोन, जेड लाइन एंड आई बैंड, ये गायब नहीं होता, जबकि मांसपेशी जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एच जोन जो है वो गायब हो जाता है, वहीं पे आकर के कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए एच जोन गायब हो जाता है। तो यहाँ पे यह विषम है और सब सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जुड़ा असंगत है? तो दोस्तों गुर्दे यानी किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं, क आपका राइट है। मांसपेशी को की जो संकुचन की इकाई होती है उसे सार्कोमियर कहा जाता है, तो आपका ख भी राइट है। फेफड़े में एल्वोलाई पाया जाता है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस जिसे कहा जाता है, ये भी राइट है। चमड़ी जो है यानी त्वचा का न्यूरॉन से संबंध नहीं है, ये चमड़ी के भाग ऊपरी भाग को डर्मिस और निचले भाग को एपिडर्मिस कहा जाता है, तो इसका संबंध डर्मिस से है, इसलिए यह क्या है, असंगत है। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम क्या है? तो दोस्तों जो मांसपेशी यहाँ पे यूनिफेनिफॉर्म, मल्टीफेनिफॉर्म, बाईफेनिफॉर्म तो होता है, बट ट्रॉयफेनिफॉर्म कुछ नहीं होता है, इसलिए यह असंगत है। जैसे कि पेशियों के आकार तथा बनावट का वर्गीकरण और तंतुओं के आधार पर, फाइबर के आधार पर इसको कई भागों में बांटा गया है, उसके संरचना के आधार पर, जैसे कि फीसी फॉर्म या स्पिंडल फॉर्म यानी बेलन आकार की मांसपेशी जिसमें बीच में गोल होता है मांसपेशी और दोनों सिरों पर सकरी पतली होती है, जैसे कि हमारा ब्रांचियोलिस बाइसेप्स के पास की मांसपेशी, रेडियोलिस रेडियस हड्डी से जुड़ी हुई, एक कई प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं पेनी, ठीक है। दूसरा होता है पेनी फॉर्म या फेदर लाइक,
क्रिया के पंख के आकार की। जो पेनिफॉर्म होता है ये तंतु टेंडन के साइड में तीछे या बिकर जैसे निकले होते हैं। तो ये यूनिफिनिफॉर्म, बाईपेनिफॉर्म, मल्टीपेनिफॉर्म होता है। यूनिफिनिफॉर्म में फाइबर टेंडन के एक तरफ लगा रहता है, जैसे टीबियस पोस्टीरियर सेमी मेम्ब्रेनियस। एंड बाईपेनिफॉर्म में फाइबर टेंडन के दोनों तरफ लगा रहता है, जैसे रेक्टस फेमोरिस, पेट की जो जांग की हड्डी पर चढ़ी हुई मांसपेशी, ठीक है। और मल्टीपेनिफॉर्म जैसे एक ही जगह से कई टेंडन निकले रहते हैं, तो उसको चिड़िया के पंख की तरह आकृति बनाती है, जैसे डेल्टायर मसल। डेल्टायर मसल्स को ट्रेंगुलर मसल्स भी कहा जाता है। तीसरा होता है ट्रेंगुलर मसल्स या फन शेप्ड, यानी तिकोनी अथवा हाथ से हाँकने वाले पंखे के समान। ट्रेंगुलर में एक सिरा सक्रिय रूप से टेंडन से जुड़ा रहता है तथा दूसरा सिरा चौड़े रूप से, जैसे हमारा ट्रेपेजियस एंड पेक्टोरलिस मेजर होता है। एंड डेल्टायर मसल्स। चौथा होता है लॉन्गिट्यूडनल, रिबन के आकार की पट्टे जैसा, जैसे कि लंबी रिबन जैसी होती है। लंबी फाइबर एक दूसरे के समानांतर होता है, जैसे सार्टोरियस मसल्स। और हमारे सार्टोरियस मसल्स जो हमारे जांग के पास की होती हैं, ये कमजोर होती हैं। और रेक्टस एब्डोमिनस जो पेट की सीधी पेशी होती है, पट्टा पेशी, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रकार में आता है। पाँचवा होता है क्वाड्रिलेटरल, लेटरल यानी चौकोर आकार का, चौकोर मोटी होती है। ये तंतु आपस में समानांतर जुड़ी रहती हैं, जैसे रोहैमबॉयड, गर्दन के पीछे की मांसपेशी। ये था आपका मांसपेशी का वर्गीकरण। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विषय विषम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मायोफाइबरल मांसपेशी तंतु को कहते हैं, सार्कोप्लाज्म जो है जो मांसपेशी तंतु के अंदर द्रव भरा रहता है उसे कहते हैं। एक्टिन मांसपेशी के फिलामेंट एक्टिन मायोसिन होते हैं, यानी तीनों के तीनों मांसपेशी से संबंधित हैं, ठीक है। सभी मांसपेशी कोशिका के घटक हैं, जबकि प्लेटलेट्स क्या है, यह रक्त कणिका का भाग है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, यह विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे विषम है कॉर्फ बॉल, क्योंकि कॉर्फ बॉल ऐसा खेल है जिसे पुरुष और महिला दोनों एक साथ खेलते हैं और बाकी में पुरुष या महिला अलग अलग खेलते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज के सेशन में 18 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये 18वां क्वेश्चन आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। तो दोस्तों जो भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे और लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और इसी तरह आप डेली बेसिस से प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।